नमस्कार भाई, और स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल ड्रीम इलेवन लॉस कवर में। आज मैं एक ऐसा ग्रैंड लीग टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आज तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि किसी भी मैच का बैटिंग ऑर्डर कैसे पता करें, किसी मैच का बैटिंग ऑर्डर कैसे जाने, कौन बैट्समैन ओपनिंग में बैटिंग करेगा, कौन बैट्समैन मिडिल ओवर में बैटिंग करेगा। तो इन सभी ए टू जेड टॉपिक को एक एक करके विस्तार से समझाऊंगा और लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। अब आपको बताते हैं कि किसी मैच का बैटिंग ऑर्डर कैसे पता करें। ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद किसी भी मैच का बैटिंग ऑर्डर जानने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर के सर्च बार में उस एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल 11, इस पर लिख के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका प्ले स्टोर में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा होगा, तो उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा प्ले दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको जिस भी मैच को खेलना है और जिस मैच का बैटिंग ऑर्डर निकालना है, तो उस मैच का लाइनअप आउट होने का वेट कीजिए। जैसे ही उसका लाइनअप आउट होता है, तो हम कैसे जानेंगे कि उस मैच का लाइनअप आउट हो गया है? तो लाइनअप आउट मैच को देखने के लिए आपको सीधा सीधा ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहाँ पे जितने भी मैच का लाइनअप आउट हुआ है यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो जैसे यूनाइटेड अरब इमारात और पपुआ जिनिया की एक उदाहरण के लिए मैच लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का टीमों का लाइनअप आउट हो गया है और दोनों का प्लेइंग इलेवन आ गया है। तो इन दोनों टीमों के प्लेइंग इलेवन को जानने के बाद हमको जानना है कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का लाइनअप आउट हो गया है, प्लेइंग इलेवन भी आ गया है। तो इनका हमको बैटिंग ऑर्डर जानना है और इस मैच को खेलना है। तो बैटिंग ऑर्डर जानने के लिए हम चलते हैं पॉसिबल इलेवन एप्लीकेशन पे। जैसे ही पॉसिबल इलेवन एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए UAE और PNG जो मैच आपको ड्रीम इलेवन में दिखाया था उसका यहाँ पे चल रहा है, 20 मिनट टाइम बचा हुआ। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप बैटिंग ऑर्डर देखने के लिए, तो एक छोटा सा ऐड आएगा। तो उस छोटा सा ऐड को आपको क्लिक करके कट कर देना है। कट करने के बाद आगे क्या आता है वो मैं आपको दिखा। जैसे ही आप ऐड को क्लोज करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। UAE VS PNG का कन्फर्म प्लेइंग 11, यानी ग्रीन कलर में लिखा हुआ कन्फर्म प्लेइंग 11, ये दोनों टीमों का यही प्लेइंग 11 है। जैसे चिराग सूर्य वसीम मोहम्मद ओपनिंग करेंगे, वन डाउन। वर्तिका आएगा अरविंद, CP रिजवान थ्री डाउन आएगा, अलीसन सराफू पाँच नंबर पे आएगा, बसील अहमद छः नंबर पे आएगा, रोहन मुस्तफ़ा सात नंबर पे आएगा, कसीफ दाऊद आठ नंबर पे आएगा, अहमद रज़ा नौ नंबर पे आएगा, जहूर खान दस नंबर पे आएगा, जुनैद सिद्दीकी ग्यारह नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये UAE का बैटिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी तरह से आप PNG का बैटिंग ऑर्डर जान सकते हैं। जैसे टोनी उरा और लेगा सलाका ओपनिंग करेंगे, वन डाउन आएगा असाद वाला, फोर टू डाउन आएगा चार्लिस आमिनी, पाँच नंबर पर आएगा रिली हुकरे, सेसा बाऊ चार सोपर, आठ नंबर पर आएगा नॉर्मन वेनुगा, नौ नंबर पर आएगा सिमोन अताई, दस नंबर पर आएगा कबुआ मोरिया। तो इस तरह से आप दोनों टीमों का प्लेइंग 11 समझ गए और बैटिंग ऑर्डर भी समझ गए कि किस बैटिंग ऑर्डर के साथ ये दोनों टीम इस मैच को खेलेगी। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात एक और मैं बता देता हूँ इसमें, कि ये यहाँ पे आने के बाद एक और चीज़ क्लियर हो जाता है कि दोनों टीमों में कितने बैट्समैन हैं, कितने विकेट कीपर हैं, कितने बॉलर हैं। जैसे अगर जिस प्लेयर के सामने अगर सिर्फ बैटमैन बैट शो कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो सिर्फ बैटमैन है, बैटिंग कर सकता है। और जिस प्लेयर के सामने अगर बैट और बॉल दोनों शो कर रहा है, तो समझ लो कि वो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी करेगा और बॉलिंग भी करेगा। और जिस प्लेयर के सामने सिर्फ बॉल शो कर रहा है, तो समझ लो कि वो बॉलिंग करेगा। तो ठीक है, दोनों टीमों में देख सकते हैं यहाँ पे वर्तिया अरविंद आपका जो विकेट कीपर है, इसमें टोनी उरा विकेट कीपर है, और जिसमें लास्ट में आठ नौ दस बॉलर हैं, इसमें सिमोन अताई दो दो विकेट कीपर है PNG में। तो इस तरह से आप पूरा प्लेयर्स का डिटेल्स भी यहाँ देख सकते हैं कि दोनों टीम कितने बॉलर और कितने बैट्समैन के साथ खेल रही है। इसके बाद दूसरा ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ड्रीम इलेवन के ऑफिशियल एप्लीकेशन फैन कोड से आप दोनों टीमों के बीच का प्लेइंग इलेवन जानना चाहते हैं और बैटिंग ऑर्डर जानना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको लाइव फैन कोड एप्लीकेशन पर चल के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ फैन कोड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ पे लाइव स्कोर है, यहाँ पे वॉच लाइव चल रहा है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का। इसके साइड में इधर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे प्रीव्यू में देखिए यूनाइटेड अरब इमारात और पपुआ जिनेवा का मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। UAE जो है टॉस ऑन कर गया है और बैटिंग करने का फैसला किया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लाइनअप आउट हो गया, ये भी बता रहा है। लाइनअप आउट होने के बाद आपको दोनों टीम का प्लेइंग
11 आ गया, प्लेइंग उस प्लेइंग 11 में हमको बैटिंग ऑर्डर जानना है। बैटिंग ऑर्डर जानने के लिए इन्फो पे आप क्लिक करेंगे। इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा सीधा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको लास्ट में यहाँ पे लाइनअप आने के बाद ही दिखेगा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो लाइनअप आने के बाद प्लेइंग 11 यहाँ पे लिख रहा है, देखिए यूनाइटेड अरब इमारात का, वहां भी मैं बताया था, यहाँ भी देखो सेम है, वसीम मोहम्मद और चिराग सूरी दोनों ओपनिंग करेंगे। वर्तिया अरविंद वन डाउन आएगा, और चंदन गोपाल रिजवान टू डाउन आएगा। अली इसके बाद अलीसन सराफू आएगा, बसील अहमद आएगा, रोहन मुस्तफ़ा आएगा, कशिश दाऊद आएगा, अहमद रजा आएगा, जहूर खान आएगा, जुनैद सिद्दीकी आएगा। इसी तरह से पपुआ जेनेवा में लेगा साइका टोनी उरा दोनों ओपनिंग करेंगे। असाद वलाई आएगा, इसके बाद चार्ली सामिनी आएगा, रिले हुकरे आएगा, शेसी बाबू आएगा, चद सोपर आएगा, नॉर्मन वनू आएगा, सिमन अताई आएगा, काबुआ मोरिया आएगा, एलिया न्यू आएगा। इस तरह से आप दोनों टीमों का कंफर्म बैटिंग ऑर्डर जान सकते हैं और समझ सकते हैं। दो तरीके जो होते हैं, जो दोनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किया, बता दिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।